अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो आज का जो है मेरा टॉपिक है वीडियो का, वो है ग्लिसरीन फेशियल। ग्लिसरीन फेशियल लेके जो है स्किन लिफ्टिंग फेशियल है और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बल्कि ये सब तरह के स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है। बहुत ही मॉइस्चर करता है स्किन को, और जो है जितना भी ऑयल्स आपके जो है स्किन के नीचे मौजूद है होता है उन सब ऑयल को आपके स्किन के ऊपर लाता है। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं फेशियल करूँ, तो फिर मुझे देखते हैं आप जो है मेकअप क्या हुआ सुबह से। ग्लिसरीन फेशियल के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, कॉफ़ी, किचन टॉवल, शुगर, मिल्क पाउडर, और जी हमें चाहिए कोई भी ब्यूटी कैप्सूल आप रख सकते हैं शाइनिंग के लिए, जो कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, या वाइटनिंग कैप्सूल भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके अपने चॉइस पे है। इसके बाद मैं अपना मेकअप उतारने लगी हूँ, तो प्लीज़ किसी को भी डर के भागना नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने एक कॉटन का पीस लिया है जिसको मैं रोज़ वाटर से जो है डिप कर रही हूँ, और इसके साथ मैं उसमें जो है ग्लिसरीन भी थोड़ा ऐड कर लूँगी। अगर आप माइसलिन वाटर भी यूज़ करते हैं क्लिनजिंग के लिए, तो उसमें भी कभी कभी केमिकल होते हैं, जो होते तो हैं लेकिन कभी कभी किसी की जो है स्किन को इरिटेट करते हैं। तो अगर आप ग्लिसरीन और जो है रोज़ वाटर से अपना मेकअप साफ़ करेंगे तो पूरा जो है मेकअप भी उतर जाएगा, और मस्कारा वगैरह जो बिल्कुल ही मुश्किल से उतरता है वो भी आराम से उतर जाएगा, और कोई भी आपको रिएक्शन नहीं होगा। और इतनी ज़िद्दी लिपस्टिक मुझे लगी हुई थी, 24 आवर्स तक वो जो रहने वाली लिपस्टिक है मैट, तो वो वाटरप्रूफ, वो भी जो है आराम से उतर गई। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि मैसलिन वाटर से अच्छा है कि आप जो है ये क्लिनज़र यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे मेकअप उतार लिया, इसके बाद मैं जो है डीप क्लिनज़र जो है बना रही हूँ, उसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, और मैं इसमें ग्लिसरीन डालूँगी, थोड़ी सी ग्लिसरीन भी मिला दें। ये हमारा जो है डबल क्लीन तैयार हो गया है, ला लें और जो है अपने फेस पे अप्लाई करें। मैंने रोज़ वाटर इसलिए डाला है कि ड्राई ड्राई फील हो रहा था मुझे, अब जो है आप इसको जो है अपने फेस पे अप्लाई करें, और पहले अपने जो है आप पूरे हाथ से लगा लें अपने फेस पे। लेकिन अगर आपको जो है हार्श लग रहा है तो फिर आपने रिंग फिंगर या जो है पॉइंटर फिंगर से इसको मसाज करना है। जो भी चीज़ आपको हार्ड लगे तो आप जो है फिंगर की तादाद कम कर दें, एक फिंगर से या दो फिंगर से मसाज किया करें, ताकि जो स्किन को हर्ट ना हो। इसके बाद मैं आपको स्क्रबिंग बता रही हूँ। ग्लिसरीन लें, उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल डालें, इसके बाद आपने उसमें शुगर डालनी है। शुगर डाल के आप जो है इससे क्लिनजिंग करें। शुगर बहुत ही अच्छा जो है स्क्रब करती है और बहुत ही डीप मॉइस्चराइजिंग करती है। तो जब तक शुगर के पार्टिकल्स जो है ख़त्म ना हो जाएं, आपने स्क्रब करते रहना है, और हर जो है स्टेप के बीच में आपको 5 मिनट देने हैं। मैं जल्दी में आपको फेशियल करके बता रही हूँ, लेकिन आपने जो है मसाज के बाद 5 मिनट तक छोड़ना है, उसके बाद आपने जो है साफ़ करके फेस को, और फिर आपने दूसरा स्टेप करना है। अभी मैंने जो है शाइनिंग वाले कैप्सूल खोले हैं, वो डाला है विटामिन ई का कैप्सूल, ग्लिसरीन, और मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड की है। इसके साथ मैं अपना मसाज करूंगी 5 मिनट तक। फेशियल मसाज कैसे किया जाता है ये मैं आपको पहले ही एलोवेरा जो है फेशियल उसकी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मौजूद है, अभी आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। पूरा मसाज का तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लिनजिंग पे कैसे मसाज करते हैं, और जो मसाज क्रीम से हम किस तरह से लिफ्टिंग
जो मसाज करते हैं। ये फेशियल लिफ्टिंग फेशियल है, जैसा कि आपने थंबनेल से ही जान लिया होगा। तो ये एंटी एजिंग फेशियल है, इसका पूरा जो है मसाज मैंने आपको एलोवेरा फेशियल में मसाज क्रीम में बताया हुआ है। तो अभी मैंने जो है मसाज किया है उस मिक्सचर से, कॉफ़ी वाले से, और मैंने एक शीट मास्क लिया है, जो खाली एक शीट मास्क मेरे पास पड़ा हुआ है। जब मैं शीट मास्क यूज़ कर लेती हूँ रेडीमेड, तो मैं जो है मास्क धो के रख लेती हूँ। मुझे इस तरह के फेशियल्स में या मास्क में काम आता है। अगर आपके पास ये शीट मास्क नहीं पड़ा हुआ कोई पुराना सा, तो फिर आपने करना ये है कि आपने बेबी वाइप लेने हैं, उसको जो है रोज़ वाटर में भिगोना है। बाकी जो मिक्सर बचा हुआ है कॉफ़ी का, वो भी उसी पे लगा देना है और उसी फेस पे लगाना है। फेस को साफ़ नहीं करना है। जैसे ही हम कॉफ़ी वाला मिक्सर से मसाज कर लेंगे, तो उसी मिक्सर के ऊपर हम जो है अपना ये है फेशियल मास्क लगा देंगे, ठीक है। 15 मिनट तक छोड़ें, उसके बाद आपने ये जो है मास्क 15 मिनट के बाद उतार देना है। उसके बाद आप जो है रोज़ वाटर का स्प्रे करें और रिज़ल्ट देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें।